हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रक्सौल कर्म भूमि एक्सप्रेस के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर यही रक्सौल कर्म भूमि एक्सप्रेस के बारे में बताऊंगा, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलती है। यह गाड़ी दरभंगा तक जाएगी। तो सारा कुछ लोकमान्य तिलक से दरभंगा तक के बीच कौन कौन सा स्टॉपेज से जाएगा और इस गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का टाइम टेबल कैसा रहेगा, कितने बजे आपको मिलेगा लोकमान्य तिलक में और कितने बजे आपको छोड़ेगा दरभंगा जंक्शन में और कौन सा दिन है, और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी का टिकट किराया कैसा रहेगा मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दरभंगा तक के लिए। तो सारा कुछ कम्प्लीट डिटेल्स में आज के इस वीडियो के अंदर होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बन रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रक्सौल कर्म भूमि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर है 12546। ये 4:40 शाम को मिलेगा लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में और दूसरे दिन उतारेगा 4:07 सुबह दरभंगा जंक्शन में। और ये गाड़ी हफ्ते में एक ही दिन है, जो कि शनिवार के दिन। इस गाड़ी का नाम है रक्सौल कर्म भूमि एक्सप्रेस। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी का लाइन रूट के बारे में कि ये लोकमान्य तिलक से खुलेगा तो कौन कौन सा स्टेशन से ये गाड़ी जाएगा। दोस्तों, ये गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये गाड़ी खुलेगी, कल्याण जंक्शन पहुंचेगा, मनमाड पहुंचेगा, उसके बाद भुसावल जंक्शन पहुंचेगा, खंडवा जंक्शन, इटारसी, जबलपुर, कटनी जंक्शन, सतना जंक्शन, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना जंक्शन, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा। तो कुछ इस तरीके से इसका लाइन रूट रहेगा। दोस्तों, इस गाड़ी का टिकट किराया है स्लीपर क्लास का 730 रुपये और थर्ड एसी का है 1935 रुपये और टू एसी का है 2810 रुपये। तो कुछ इस तरीके से इस ट्रेन का कोच होगा और यही टिकट प्राइस होगा गाइस। तो ये ऑनलाइन बुक करते तो सेम प्राइस लगेगा और स्टेशन से बनवाते हैं ये टिकट तो सेम प्राइस लगेगा, किसी एजेंट द्वारा बनवाते हैं कुछ रुपये चार्जेस ले सकता है। है गाइस, तो आई होप आप लोगों को इस गाड़ी का लाइन रूट, टिकट किराया और टाइम टेबल सारा कुछ कंप्लीट अच्छे से समझ आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी इसी तरीके का वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।